जादुई मछली और लालची औरत। एक रहस्यमय कहानी। एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रात के अंधेरे में ही घर से नदी की ओर निकल जाता और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी भी मछली पकड़ता उन्हें बेचकर उन पैसों से अपना घर चलाता था। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इतने पर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था और सुख चैन से अपना जीवन बसर करने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची किस्म की थी। मछुआरा कितने ही पैसे घर लेकर आए, वह कभी खुश नहीं होती और मछुआरे को बुरा भला कहती थी। मछुआरा और भी ज्यादा मेहनत करके अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की हर संभव कोशिश किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी कभी खुश नहीं होती थी क्योंकि उसके मन में लालच भरा हुआ था। एक सुबह जब मछुआरा उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसे बहुत बुखार था लेकिन पत्नी के डर से वह जाल लेकर नदी चला गया। कुछ देर वह नदी में जाल डाले बैठा रहा लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह खाली हाथ घर लौट आया। उसे खाली हाथ आते देख उसकी पत्नी चिल्लाने लगी। मछुआरे ने उसे समझाने की कोशिश की कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वह नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत देर तक जाल डाले रहने के बाद भी एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह निराश होकर लौटने का मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल कुछ भारी सा महसूस हुआ। वह खुश हो गया कि शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने इतनी सुंदर मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वह मछली बोल पड़ी, मछुआरे भैया, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वापस नदी के पानी में मछली को छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ वापस देख घर सिर पर उठा लिया और उससे लड़ने लगी। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी और ज्यादा भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेजा और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरा नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी, मछली रानी, बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी के पानी में हलचल हुई और सुनहरी जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या बात है मछुआरे भैया, मुझे क्यों बुलाया। मछुआरा बोला, मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों भूखे हैं। क्या तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो। मछुआरा हाथ जोड़कर बोला, क्यों नहीं। मछली बोली, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। फिर मछुआरा अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी हुई है। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वे सारी चीजें दिखाए। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरा बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने की चीजें ही मांग कर लाए हो। सुंदर वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगने चाहिए थे। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र और आभूषण लेकर आओ। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लग रहा था। वह बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की जरूरतें तो पूरी हो गई, कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी ने आसमान सिर पर उठा लिया। बेचारा मछुआरा मन मारकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली को पुकारा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के ऊपर आ गई। मछुआरा हिचकते हुए बोला, क्या बताऊं मछली रानी, मेरी पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग रही है, क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो। उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई थी। मछुआरे को देखते ही वह खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाते हुए वह बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों और आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरा क्या कहता, कलह के डर से वह चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया।
नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली को बुलाया। मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आई तो मछुआरा बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी। ये बोलकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ है। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सच संवर कर बैठी हुई है। वह बहुत खुश थी। जब मछुआरा उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया है, लेकिन बिना सेवक सेविकाओं और सुख सुविधा के रानी होने का क्या लाभ? कल तुम मछली से सेवक सेविकाएं और सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सारे सामान मांग लिए। घर लौटने पर उसे अपनी पत्नी सोने के पलंग पर आराम करती हुई दिखी। सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन उसने बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। एक दिन वह मछुआरे से कहने लगी, मैं इस महल की रानी तो बन गई, लेकिन अब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरा अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और इस बार तो अति हो चुकी थी। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी जब मछुआरा तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरा फिर से नदी पर गया और जादुई मछली को पुकारने लगा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरा बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ। मछली बोली, कहो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वह सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना देती रहोगी मेरी पत्नी उतना मांगती रहेगी। वह कभी संतुष्ट नहीं होगी और बिना संतुष्ट हुए वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो, और वह पानी में चली गई। मछुआरा जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उसे फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वह रोना पीटना मचाने लगी कि महल धन दौलत सेवक सेविकाएं और आभूषण कुछ भी न रहा। मछुआरे ने उससे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ तो तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगी उतना और लालच बढ़ेगा, इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रुखी सुखी लाऊं उसमें खुश रहने को तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती? उसे एहसास हुआ कि वह लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं। वह मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद जीवन में जो भी मिला उसमें अपने पति के साथ संतुष्ट रहने लगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं है। जो लालच में अंधा हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।